नमस्ते, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते पीएन। क्या ये स्लाइड आखिर स्लाइड थी? बताइएगा जी। जी। तो कल हम लोगों ने ये असाइनमेंट लिया था, तो कल मानवतापूर्ण आचरण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो सेकंड मॉडल स्टडी किया था, मूल्य नीति और चरित्र को लेकर, उसकी बात पूरी की थी और उसके संदर्भ में कुछ असाइनमेंट्स लिए थे हमने। इस पे जो हमारी दिन भर में जांच परख रही हो, सजगता अपने आप में बनी रही हो, उसके यहाँ पे यदि कुछ प्रश्न बने हो तो आप भी रख सकते हैं। तो एक तो बात ये थी कि हम अपने अंदर सुख शांति संतोष आनंद क्या इन भावों को देख पा रहे हैं। जहां से हमने ये जांच परख की यात्रा शुरू की और जहां अभी आज खड़े हैं, उसमें हमें क्या गति दिखाई दे रही है। वैसे ही देखना था कि हमारे में धीरता वीरता उदारता के क्रम में अभी क्या गति बनी है और कितना और अपने ऊपर काम करना है, कहाँ कहाँ इनका अभाव दिखाई दे रहा है अपने जीने में जिसको पूरा करना है। वैसे ही अपने बारे में ऑब्जर्व करना है कि चरित्र का अगर हम स्वयं का मूल्यांकन करें, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इसमें आज के दिन हमारी अपनी स्थिति क्या है और इसमें हमने कैसे गति की है, आगे और कैसे गति करनी है, स्वधन के मामले में, स्वनारी या स्वपुरुष के मामले में, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के मामले में, इसको अपने आप में देखना है। और वैसे ही हमें जो तीन नीतियां थी, अर्थनीति राजनीति धर्म नीति, उसमें हमने कितनी गति की है और आज के दिन हमारी क्या स्थिति है, आगे के लिए हम क्या योजना बना रहे हैं, ये हमें अपने एक व्यक्ति के रूप में भी अपनी नीतियों को तय करने की जरूरत है। कि एक व्यक्ति के रूप में मेरी अर्थनीति राजनीति धर्म नीति क्या होगी, अर्थात तन मन धन के संवर्धन संरक्षण सदुपयोग की नीति क्या होगी, एक परिवार के रूप में तन मन धन के संवर्धन संरक्षण सदुपयोग की नीति क्या होगी। जैसे हम एक विजन बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे अपने लाइफ का भी एक विजन बनाने की जरूरत है, उसके लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत है, तो नीति क्या होगी। वैसे ही जहां हम रह रहे हैं, गांव में मोहल्ले में कॉलोनी में टावर में जिले में शहर में, वहां पे भी हमारी यदि कोई नीति हो तो उसको भी देखना था और उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें कई सारी बातें ध्यान में आई थी। तो कल दिन भर जो आपने स्वयं में जांच परख की हो, उसके आधार पर यदि कोई प्रश्न बने हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यदि अभी कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं, लौट के फिर चर्चा करेंगे। तो मूल्य नीति और चरित्र को लेकर हम लोगों ने मॉडल टू में विस्तार से अध्ययन किया। मॉडल वन में हमने स्वयं में अनुभव की क्रिया जागृत होने के आधार पर क्रियाओं में कैसे लय सामंजस्य स्थापित होता है स्वयं की क्रियाओं में, और कैसे वो आचरण में जाता है मेरे व्यवहार में कार्य में भागीदारी में, वहां से फैलते हुए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा के अर्थ में भागीदारी में उसको स्टडी किया था। तो इस तरह से हमने मानव के आचरण के ज्ञान को पूरा अध्ययन किया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ज्ञान पे चर्चा पूरी हुई है, अब विवेक पे चर्चा करेंगे। तो अब इस लेक्चर में, लेक्चर 23 में हम लोग जो समाधान के दूसरे मुद्दे थे उन पे बात शुरू कर रहे हैं, तब हम लोग विवेक पे चर्चा करेंगे। विवेक को ही अंग्रेजी में विजडम कहा है जी। तो ये हमें स्पष्ट है कि मानव की चाहना यानी हमारी मूल चाहना तो निरंतर सुख है और वो ज्ञान और समाधान से ही पूरी होती है। तो हमारे में ज्ञान सुनिश्चित हो, उसके आधार पर सही भाव सही विचार सुनिश्चित हो। समाधान को और फैला के देखें तो उसमें 9 बिंदु दिखाई देते हैं, जिसमें पहला बिंदु ज्ञान है, जिसमें 3 बिंदुओं पर हमने अध्ययन किया, मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण का ज्ञान। तो हम लोग ने इसको बृहत रूप से चर्चा की। मॉड्यूल 3 में हमने मानव के ज्ञान को लेकर बृहत रूप से चर्चा की थी, मॉड्यूल 4 में अस्तित्व के ज्ञान को लेकर बृहत रूप से चर्चा की थी, और अभी पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मानवतापूर्ण आचरण यानी एक मानव का आचरण कैसा हो उसको लेकर विस्तार से चर्चा की। अब उसके आधार पर हमारे अंदर कैसा विवेक जागृत होता है उस पर विस्तार से बात करेंगे। विवेक का मतलब है कि मानव लक्ष्य की पहचान। तो विजडम एक वर्ड है जिसको अभी हम लोग कई प्रकार से प्रयोग करते रहे होंगे, बट यहाँ जब विजडम वर्ड का प्रयोग हो रहा है या विवेक वर्ड का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित प्रकार से हो रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा भी ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं, फिर उससे और जो विवेक के हमने अपने मायने लिए हैं उनका भी हम मूल्यांकन कर पाएंगे जी।
तो विवेक का मतलब है कि मानव लक्ष्य की पहचान हो पाए। और अभी हम लोगों ने देखा था कि अस्तित्व किस प्रकार से अस्तित्व रूप में एक व्यवस्था है। तो एक बार जब मुझे व्यवस्था का ज्ञान होता है तो उसके आधार पर अपने लक्ष्य की निश्चित पहचान हो पाती है कि मेरे जीने का लक्ष्य क्या होगा। समाज में हम इतने सारे मनुष्य साथ साथ जी रहे हैं, क्या हम सबका कोई समान लक्ष्य हो सकता है? तो ज्ञान के आधार पर हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, यानी हमारा लक्ष्य निर्धारण ठीक ठीक हो पाता है। मुझे कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बातें हमें स्पष्ट हो पाती हैं। तो वंस वी हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड अबाउट द ह्यूमन बीइंग इन इट, वी कैन विजुअलाइज द ह्यूमन गोल। एक बार पूरे अस्तित्व का ज्ञान हो गया, मानव का ज्ञान हो गया, मानव के आचरण का ज्ञान हो गया, तो उसके आधार पर मानव के लक्ष्य की पहचान हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एंगल्स ऑफ परसेप्शन द गोल कैन बी फॉर्मुलेटेड डिफरेंटली, हाउएवर दिस डिफरेंस विल बी ओनली एट द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन एंड नॉट इन एग्जिस्टेंस, नॉट इन एसेंस। तो जिस प्रकार से भी हम लक्ष्य को देखते हैं उस प्रकार से हम फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। और हम लोग दो तरह के फॉर्मुलेशन का अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। तो उसका अगर सार देखें तो वही है, सार तो अल्टीमेटली ये है कि मेरे अंदर निरंतर सुख स्थिति बनी रहे। और उसके अर्थ में देखें तो मैं ज्ञान संपन्न रहूं, मेरा आचरण पूर्ण हो, यही तो सार है। जो भी हम लक्ष्य बनाएंगे एक मानव के रूप में उसका सार तो इतना ही होगा, बट उसको भिन्न भिन्न तरीके से परंपरा में देखा भी गया है, भिन्न भिन्न तरीके से रखा भी गया है, तो उसको अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो एक ऐसा फॉर्मुलेशन हमने UHV-2 में लिया था, जिसको अभी हम लोग यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे, बट उससे आपका काफी परिचय है। और एक नया फॉर्मुलेशन भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जो मानव मतलब हमारे जो देश की परंपरा रही है, ज्ञान की परंपरा रही है, उसमें उसको लेकर काम किया गया है। तो इससे हमें ये भी दिखता है कि शब्दावली भिन्न हो सकती है ना, परंतु मानव लक्ष्य की पहचान परंपरा में हुई है और उसको भिन्न भिन्न तरीकों से रखा गया है। तो इससे हमें जो मानव के जीने को लेकर, मानव के लक्ष्य को लेकर जो ज्ञान परंपरा बनी है, उसके प्रति गौरव का भाव भी होता है। और उससे हमें अपने जीने के भिन्न भिन्न कोण, आयाम, परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखने समझने का अवसर भी मिलता है। तो उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे जी। तो जैसा हम UHV-2 में अध्ययन किया था, तो मानव लक्ष्य को हम इस रूप में देख पाते हैं। तो अगर व्यक्ति के स्तर पर देखें तो निरंतर सुख को ही विस्तार में ले जाएं तो सुख, शांति, संतोष, आनंद। वैसे ही अगर हम समाज के स्तर पर देखें तो ये चार लक्ष्य दिखाई देते हैं जिसको मानव लक्ष्य कहा। तो हर व्यक्ति में ज्ञान और समाधान, नहीं इससे कम में क्या लक्ष्य बनाएंगे? अगर हमें समाज के लिए कोई भी लक्ष्य बनाना हो तो इससे कम में क्या लक्ष्य बनाएंगे? कम से कम हमारा हमारा लक्ष्य, हमारी दिशा, हमारी विधि, ये तो निश्चित होना बनता है। तो हर व्यक्ति में ज्ञान और समाधान होगा तो हर व्यक्ति सुखी होगा। वैसे ही हर परिवार में समृद्धि, ये भी निश्चित होना बनता है। अपने को दिखता है कि हर मनुष्य की चाहना ठीक है, हर मनुष्य की सुविधा की आवश्यकता सीमित है, और ये भी दिखता है कि प्रकृति में व्यवस्था है उसके पूरा होने की। तो हर परिवार में समृद्धि सुनिश्चित हो सकती है, ये भी लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। जब हमारे अंदर सही भाव होता है, सही समझ के आधार पर हम साथ में एक दूसरे के साथ पूरकता के भाव से जीते हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह के भाव से जीते हैं, तो समाज के स्तर पर देखें तो लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है कि समाज में अभय हो, है ना? और अभय का आधार क्या होगा? विश्वास का भाव। तो समाज में अभय हो और प्रकृति में सहस्तित्व हो। तो सिर्फ मानव ही नहीं, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, लवण, है ना, इन सबका सहस्तित्व बना रहे हैं। कोई छीन ना हो जाए, ना कोई विलीन ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, बने रहे, तो इन सबका सहस्तित्व बना रहे हैं। और अगर इन चारों को जोड़ के देखें तो कुछ भी शेष नहीं बचता है कि नहीं।
अभी हम जो अपने जीने में लक्ष्य बनाते हैं तो आप पाएंगे कि ना तो हम स्वयं के स्तर पर लक्ष्य बना पाते हैं कि सुख शांति संतोष आनंद में जिए, ना हम समाज के स्तर पर ऐसा कोई लक्ष्य देख पाते हैं। अगर थोड़ा सा पास्ट में चले और जब हमने ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन अपने आप पर शुरू नहीं किया था उस समय की स्थिति को देखें, तो जरा हम देखें कि हम अपने बारे में क्या लक्ष्य बनाते थे, या तो धन के बारे में या पद के बारे में या यश के बारे में या कोई बल अर्जित कर लें उसके बारे में कुछ ऐसा हम बना रहे होंगे। समाज के बारे में क्या लक्ष्य बनाते थे, इन सब चीजों को हम अगर रिविजिट करें एक बार तो हमें दिखाई दे काफी शिफ्ट हुआ होगा हमारे अंदर, जहां हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, हमें ये लगता ही नहीं था कि समाज का भी कुछ समान लक्ष्य हो सकता है। ऐसा मानते ही थे कि हर आदमी अपने आप में विचित्र है, हर आदमी अपने आप में भिन्न है ना, हम सबका एक समान लक्ष्य कैसे हो सकता है। उसके स्थान पर अब हमें एक समान लक्ष्य दिखाई देता है, और जैसे जैसे हम अपने आप में गति करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपने नए भावों में सजग होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम जीने में समाधानित होते जा रहे हैं, अपने आचरण के प्रति हम गंभीर होते जा रहे हैं, समझ को सुनिश्चित करने की निष्ठा बनती जा रही है, या शक्ति भी अपने आप में बन रही होगी कि हाँ हम सबका एक समान लक्ष्य हो सकता है कि नहीं, तो मानव लक्ष्य के रूप में, और यही विवेक है, तो यही दिखाई देता है ना। ये जो इसको अगर हम पूरा करने जाते हैं जी, तो ये दिखता है कि पांच आयामों में काम करने की जरूरत है, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, न्याय सुरक्षा, विनिमय कोष। अब ये आगे हम उसके लिए योजना कार्यक्रम तैयार करते हैं। तो एसेंशियली देखें तो अगर हमको ये लक्ष्य स्पष्ट होता है और ये लक्ष्य हमें इच्छा के स्तर पर स्पष्ट होता है, जो मानव लक्ष्य की पहचान हो रही है, तो चिंतन में सही भाव स्थापित हुए उससे चित्रण में ये पूरे जीने का स्वरूप स्पष्ट होता है। मैं कैसा हो जाऊं, मेरा परिवार कैसा हो जाए, समाज कैसा हो जाए, प्रकृति में हमारा जीना कैसा हो जाए, ये लक्ष्य स्पष्ट होता है। फिर इस लक्ष्य को पूरा करने के कार्यक्रम भी स्पष्ट होते हैं। तो कार्यक्रम के रूप में देखें तो ये पांच तरह के कार्यक्रम दिखाई देते हैं। तो शिक्षा संस्कार, ये हम लोग और इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी डिस्कस किया था इसको। तो शिक्षा का मतलब है समझना, संस्कार का मतलब है जीना। समझने का अर्थ क्या हुआ, तो मेरे अंदर ज्ञान सुनिश्चित हो जाए, मानव का ज्ञान हो जाए, अस्तित्व का ज्ञान हो जाए, मानव के आचरण का ज्ञान हो जाए, ये हुआ शिक्षा, और वैसा ही हमारा जीना हो जाए। हमने ये भी देखा था कि इसको हमने मॉडल वन और मॉडल टू में भी देखा था कि अगर मेरे अंदर सही समझ सही भाव सुनिश्चित होता है वैसा जीने में सहज रूप से आता ही है। अगर मेरा जीना वैसा नहीं है, इसका मतलब हमने विचार ही किया है ना, अभी विचार किया और हमारे अंदर बहुत सारे द्वंद बने हुए हैं, तभी वैसा जीना नहीं हो रहा, तो संस्कार उसका एक स्वाभाविक फलन है। वैसे ही संयम और स्वास्थ्य को भी अध्ययन किया था। तो जब मुझे शरीर साधन के रूप में स्पष्ट होता है, दिखता है कि शरीर तो जड़ है, मैं चैतन्य हूँ, और अभ्यास दो को करते हुए मैं और शरीर की दूरी जब और ज्यादा स्पष्ट होती है, मैं और शरीर में अंतर और स्पष्ट होता है, तो शरीर एक साधन के रूप में दिखाई देता है। और फिर इस साधन की आवश्यकता भी ठीक से स्पष्ट होती है, साधन के लिए योजना कार्यक्रम भी ठीक से स्पष्ट होता है, इस साधन की भागीदारी क्या है ये भी स्पष्ट होता है। तो जैसे जैसे मेरे अंदर स्पष्टता बनती है, मेरे अंदर संयम का भाव पुष्ट होता है। तो समाज में संयम का भाव कैसे पुष्ट हो, है ना, तो अगर हमें समाज में स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है तो संयम के भाव को पुष्ट करने की जरूरत है। उसके साथ यदि कभी कोई विद्रेक हो जाए, कभी कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, तो उसके लिए औषधि और चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे। तो समाज में अगर हम इसको देखें तो संयम के भाव के साथ स्वास्थ्य की योजनाएं बनाना बनता है। वैसे शरीर की सीमित सुविधाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन करना बनता है, और उत्पादन के साथ जुड़े हुए जो भिन्न भिन्न और कार्य हैं उनको पूरा करना बनता है। संबंध पूर्वक जीने के लिए न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करना बनता है। तो न्याय का मतलब तो ये हुआ कि हर संबंध में हर क्षण उभय सुख हो। अगर इसको केंद्र में रखें तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं संबंध में वो होंगी नहीं। जब हम तो इग्नोर करते हैं तब जाके दुर्घटनाएं होती हैं, है ना, अपराध होते हैं, और फिर वो बढ़ते बढ़ते एक सीमा से अधिक चला जाता है, फिर वो समाज की दुर्दशा हो जाती है। तो हमें दिखाई दे कि परिवार में अगर हर संबंध में हर क्षण न्याय हो रहा है तो समाज में भी न्याय होगा। परिवार में कहीं ना कहीं अन्याय शुरू होता है और फिर वो समाज तक जाता है।
हम दो लोगों की मान्यताएं भी मिल जाए अगर परिवार में, है ना, तब भी अन्याय हो रहा है क्योंकि तो मान्यताओं के आधार पर जीना हो रहा है, इससे संबंध में आश्वस्ति का भाव नहीं होगा कि नहीं। तो समाज में अभय सुनिश्चित करने के लिए, न्याय के लिए काम करना बनता है। और इसको हम प्रोएक्टिवली अगर देखें तो बच्चे को बचपन से ही सही शिक्षा मिले, परिवार में सही संस्कार मिले, ताकि उसके अंदर न्याय के प्रति दृढ़ता हो, न्याय के प्रति निष्ठा हो। और ये हम अपने आप में भी देख पाएंगे कि अगर हम किसी भी संबंध में न्याय को निष्ठा पूर्वक पूरा करने जाते हैं तो हमें अपनी योग्यता को कितना बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है। तो हमें अगर ये भी निर्णय कर लें कि इस परिवार में मुझे हर व्यक्ति के साथ हर क्षण न्याय करना है, तो आपको अपने ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, है ना, दूसरे के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और अगर आप उसको रिजॉल्व करने जाए तो बहुत सारा स्कोप दिखाई देता है स्वयं में संक्रमण के लिए, परिमार्जन के लिए। तो न्याय व्यवस्था, तो चार लक्ष्य जो बने स्वयं में दिखाई देते हैं उसको पूरा करने जाते हैं तो कुछ आयामों में हमें इसकी पूर्ति करने का कार्यक्रम दिखाई देता है। तो शिक्षा संस्कार एक मौलिक कार्यक्रम है। शिक्षा का मतलब है समझना, समझना का मतलब स्वयं में ज्ञान सुनिश्चित करना, समाधान सुनिश्चित करना। तो ज्ञान के रूप में मानव का ज्ञान हो, अस्तित्व का ज्ञान हो, मानवतापूर्ण आचरण का ज्ञान हो, और इसका एक सहज प्रमाण हमें जीने में आचरण के रूप में, संस्कार के रूप में दिखाई देता है। तो शिक्षा जब समझ पे आधारित होती है तो संस्कार के रूप जीना होता है, सही संस्कार के साथ जीना होता है। दूसरा आयाम स्वास्थ्य संयम के रूप में दिखाई देता है। तो जब मैं अपने आप को मैं और शरीर के सांस्कृतिक रूप में देख पाता हूँ तो शरीर की जो सीमित सुविधा की आवश्यकता है स्पष्ट हो पाती है, और उसके साथ मेरे अंदर संयम का भाव पुष्ट होता है। मुझे दिखता है कि शरीर मेरा साधन है। अभ्यास दो में जो हमने मैं और शरीर दो वास्तविकताओं को ऑब्जर्व करने का अभ्यास किया था और अपनी शरीर से दूरी को देखने का अभ्यास किया था, उससे बात और पुष्ट होती है। और जितना जितना मुझे स्वयं का होना शरीर से भिन्न दिखाई देता है उतना मुझे शरीर साधन के रूप में दिखाई देता है, और जितना स्पष्ट रूप से साधन के रूप में दिखाई देता है उतना मेरे अंदर संयम का भाव पुष्ट होता है। तो यही बात समाज में सुनिश्चित हो, तो संयम के भाव पे काम करना मुख्य बात है समाज में। तो स्वास्थ्य उसका एक स्वाभाविक रूप से फलन के रूप में दिखाई देता है। फिर भी यदि कहीं कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, तो उसको भी ठीक करने के लिए औषधि चिकित्सा की व्यवस्था करने का कार्यक्रम बनता है। वैसे ही अगर मुझे सीमित सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट होती है और प्रकृति के साथ स्पष्ट होती है तो उसको कैसे श्रम पूर्वक पूरा करें, तो न्याय का अर्थ है उभय सुख, है ना। संबंध में न्याय होता है अगर उभय सुख फलित होता है, और उभय सुख को सुनिश्चित करने के लिए संबंध भाव के निश्चित पहचान होना जरूरी है, निर्वाह होना जरूरी है, मूल्यांकन ठीक ठीक होना जरूरी है, और भावों की निश्चित पहचान हो इसके लिए भाव का चिंतन होना जरूरी है। तो ये हमारे लिए एक ध्यान देने योग्य मुद्दा है कि हम कितने संबंधों में कितने क्षण न्यायपूर्वक निर्वाह कर पाते हैं। परिवार से न्याय शुरू होता है, और यदि हम परिवार में हर संबंध में हर क्षण न्याय सुनिश्चित करने जाएं तो अपनी योग्यता पे काम करने का पर्याप्त अवसर दिखाई देता है। तो अगर हर परिवार में न्याय के लिए निश्चित कार्यक्रम बन पाए तो समाज में तो न्याय होगा ही। तो समाज के लिए भी अगर हम लक्ष्य के रूप में देखें तो ये कार्यक्रम बनता है कि हर व्यक्ति के अंदर न्याय के प्रति एक निष्ठा तैयार, उसके लिए जो कुछ भी करना बनता है इस आयाम में उसको करने की योजना बनाने की जरूरत होगी, उसका क्रियान्वयन करने की जरूरत होगी। अगर हम उभय सुखपूर्वक नहीं जी पाते तो अन्याय होता है, और अन्याय होता है तो फिर बढ़ते बढ़ते आगे तक चला जाता है, दुख होता है उससे, फिर है ना विरोध का भाव तैयार होता है, फिर उससे द्रोह विद्रोह संघर्ष आगे चलते युद्ध में चला जाता है। तो समाज में अभय हो उसके लिए न्यायपूर्वक जीने की योग्यता विकसित करना बनता है, उसके लिए फिर एक सिस्टम बनाने की जरूरत होती है। वैसे ही शेष प्रकृति की सुरक्षा हो, यानी प्रकृति की हर इकाई संवर्धित हो, संरक्षित हो, उसका सदुपयोग हो, ताकि मानव साथ साथ ठीक से तो जिए ही, मानव का प्रकृति के साथ भी ठीक ठीक जीना हो, ताकि ये मिट्टी हवा पानी पशु पक्षी पेड़ पौधे ये भी बने रहें, संवर्धित होते रहें, संरक्षित बने रहें, इनका सदुपयोग हो पाए।
इसके लिए योजना कार्यक्रम बनाना बनता है। वैसे ही ये मतलब पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी सुविधा की हर आवश्यकता अपने उत्पादन से पूरा करता है, तो उसको हम फिर विनिमय करते हैं। तो विनिमय एक सहज प्रक्रिया है, हम करते ही। तो अगर हम परिवार में भी देखें तो हम लोग भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, मिलकर हम एक दूसरे की आवश्यकता पूरा करते हैं। कोई किचन में काम कर रहा है, कोई बाहर जाकर कोई वस्तुएं लेकर आ रहा है, कोई घर की व्यवस्था देख रहा है, और हम सब मिलकर एक दूसरे की आवश्यकता पूरी करते हैं। वैसे समाज में जाए, कोई खेती कर रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई मशीनें बना रहा है, और हम फिर विनिमय पूर्वक एक दूसरे की आवश्यकता पूरी करते हैं। अब ये विनिमय में तीन संभावनाएं हैं। एक संभावना है जिसको कहेंगे लेन लेन का निर्वाह। लेन लेन में हमारे अंदर एक भाव होता है कि हम दूसरे से अधिक ले लें, दूसरे के अंदर भाव होता है कि वो भी हमसे अधिक से अधिक ले लें। अगर ऐसा होता है तो उस संबंध में फिर खींचातानी होती है, विवाद होता है, शोषण होता है, संघर्ष हो जाता है, और उसमें उभय सुख नहीं होता। दूसरी संभावना है लेन देन का निर्वाह। तो लेन देन में मेरे अंदर ये भाव है कि मैं अधिक से अधिक ले लूँ, दूसरे के अंदर ये भाव है कि अधिक से अधिक दे दे, और इस निर्वाह में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इसकी बारंबारता नहीं हो पाती है ना। एक समय के बाद दूसरा व्यक्ति थकने लगता है और फिर वो रुक जाता है, वो निर्वाह रुक जाता है। तीसरी संभावना देन देन का। तो अगर हम देन देन के भाव से देखें, मेरे अंदर ये भाव है कि मैं दूसरे के लिए अधिक से अधिक दे दूँ, दूसरे के अंदर भाव है वो मुझे अधिक से अधिक दे दे, तो आप पाएंगे इसमें हमारे संबंध में सुख बना रहता है, हम सबकी आवश्यकता भी पूरी होती है और हम समृद्धि भी महसूस करते हैं। ये अपने आप में काफी जांच परख का मुद्दा है कि हम अगर परिवार में भी जी रहे हैं, क्या हम देन देन के भाव से जी रहे हैं, हमारे में जितने कार्य करने की क्षमता है उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं, उसके सदुपयोग के साथ हम दूसरे की आवश्यकता को पूरा करने में भागीदारी कर रहे हैं। वैसे ही समाज में देखें तो हम किस भाव से निर्वाह कर रहे हैं, अभी जो विनिमय कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं। तो विनिमय भी एक आवश्यक भाग है, और उसको कैसे देन देन के भाव से सुनिश्चित करें इसमें समाज में काम करने के लिए काफी स्कोप है। वैसे ही देखें तो उत्पादन जब हम करते हैं प्रकृति पे श्रम कर कर, तो समयानुसार अलग अलग तरह के उत्पादन करने का अवसर बनता है, तो हम फिर उसको संचित करके रखते हैं एक कोष के रूप में, ताकि जब उत्पादन के लिए अवसर ना हो तो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए, या अगर कभी हमारे परिवार में आवश्यकता बढ़ जाए सदस्यों के बढ़ जाने से, अतिथि के आने से, तो भी हमारी आवश्यकता पूरी हो पाए, तो हम उसके लिए कोष करते हैं, और यही समाज के स्वरूप दिखाई देता है। तो इन चार लक्ष्य को पूरा करने जाएं तो ये पांच आयामों में ये लक्ष्य पूरा होते हुए दिखाई देता है। और ये पांच आयाम जिस प्रकार से रखे गए हैं इसके अलग अलग फॉर्मुलेशन भी हो सकते हैं, एक प्रकार से यहाँ रखा गया और भी हम प्रकार से दे सकते हैं। तो आज भी हम समाज में जिन जिन डायमेंशन पर काम कर रहे हैं ना, उसको हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसको पूरा किया जाए। ऐसा जब हम करते हुए जीते हैं तो कुछ स्टेप्स में हमें मानव लक्ष्य पूरा होता हुआ दिखाई देता है। तो परिवार से शुरू करें, अगर परिवार को पहले स्टेप में देखें तो परिवार के आगे परिवार समूह है ना। अगर 10 लोग का एक परिवार है, परिवार में 3 पीढ़ियां साथ साथ रह रही है, तो 10 लोग का एक परिवार हुआ। साथ साथ रहते हुए हम इस लक्ष्य को पूरा करने काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे 10 परिवार मिल जाए, परिवार समूह बन जाता है। फिर आगे चले तो परिवार समूह से ग्राम हो गया, 10 ऐसे परिवार समूह मिल गए, फिर ग्राम का समूह बन गया। ऐसे करते हुए देखें तो कुछ स्टेप में पूरा विश्व हमें एक परिवार के रूप में दिखाई देता है, और ये भी दिखाई देता है कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो परिवार के स्तर पर बनेंगी, कौन सी ऐसी योजनाएं जो परिवार समूह के स्तर पर बनेंगी, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्राम के स्तर पर बनेंगी, कौन सी ऐसी योजनाएं जो ग्राम समूह के स्तर बनेंगी। तो जब हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित होता है तो लक्ष्य का निर्धारण होता है, उससे सहज रूप से ये पूरा हमको उसका कार्यक्रम स्पष्ट होता है कि कैसे कैसे उसको पूरा किया जा सकता है कल्पनाशीलता में। तो 4 लक्ष्य, 5 आयाम और 10 सोपान, इस रूप में पूरी स्पष्टता बनती है हमको अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा के उसमें जीने के क्रम में। जी कुछ हैंड्स रेज्ड हैं, प्रश्न ले लेते हैं। जी भैया, बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है, और पहले अपने लक्ष्य की स्पष्टता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ये अपना जो आपने बात रखी है, इन सारे शब्दों का जब अपने में संश्लेषण और विश्लेषण दोनों किया गया, तो
बहुत अपने में एक हल्कापन आया है, और वो इस रूप में आया है कि ये जो अर्थशास्त्र है अभी जो पूरे का पूरा जो है चाहिए है, इसका अर्थशास्त्र है। मुझे प्रकृति से भी चाहिए है, चाहे प्रकृति का जो हो, और मुझे मनुष्य से भी सब कुछ चाहिए है। तो अब इस प्रकार के संबंधों में भी अब वो सारी चीजें अपन देख पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, खुद में भी अब क्या चल रहा है वो देख पाते हैं। तो मैं अगर अपना भी बताऊं कि अभी जो हमारे अंदर कुछ चाहत भी जो थी कि भाई कुछ मिल जाए कहीं से और मुझे कम श्रम करना पड़े और मिल कुछ ज्यादा जाए, इसमें एक मेजर शिफ्ट हुआ है। और वो ये हुआ है कि अरे हमें देन 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 का अर्थशास्त्र दिखना शुरू हुआ कि भाई हमें लेन देन भी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन सबसे अच्छी स्थिति में है कि जब हम देते हैं तो देते देने से भी जो भाव हमें सुख प्राप्त होता है वो वास्तविक एक सुख भी उसमें दिखाई देने लगा है। तो देन देन का जो बात है ये बहुत सार्थक बात है। दूसरा ये है कि अभी लक्ष्य की चारों लक्ष्यों की स्पष्टता ना होने से टुकड़ों टुकड़ों में जो काम करते थे उससे अब ये दिखने लगा है कि भाई मुझे स्वयं में काम करना है, परिवार में काम करना है, और फिर परिवार से जब मानव में मुझे संबंध दिखने ही लगा है तो फिर अखंड समाज की ओर बढ़ना है। तो ये जो दोनों शब्द हैं अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, इनकी स्पष्टता बनी है, और इनकी स्पष्टता बनने से अपने में भी हल्कापन आया है और अब उसे अपन समाज में देख भी पाते हैं। बहुत कई बार ऐसे मुद्दे जिनके कारण पहले आवेश आ जाता था या तो कुछ विरोध आ जाता था, अब उसमें भी शिफ्टिंग हुई है। तो बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, अगर लक्ष्य के पहचान में चूक हो जाए ना तो जो कार्यक्रम बनते हैं वही उल्टे पुल्टे बन जाते हैं। तो इस पे हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में यूएसपी 2 में भी एनालाइज किया था कि किस प्रकार की स्थिति बनती है। तो जहाँ ज्ञान समाधान की आवश्यकता है उसके स्थान पर हमने मान्यताएं बना लिया, मान्यताएं दृढ़ हो गई। हमने मान लिया कि पैसा ही सब कुछ है, उदाहरण के लिए कोई विश्वास करने योग्य नहीं है, हर मनुष्य हर दूसरे मनुष्य संघर्ष करके ही विजयी होकर जिएगा। तो ऐसे ही हम मान्यताएं बनाते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर इस तरह की संगतियां, इस तरह के क्षोभ दुख, इस तरह की संभावनाएं बन जाती है। वैसे ही जहाँ सुविधा की आवश्यकता सीमित है उसको हम न समझ पाए तो हम असीमित मान लेते हैं, और जब असीमित मानकर हम उसको पूरा करने जाते हैं तो उसके लिए हम फिर पर ध्यान ना पर पीड़ा इस तरह के कार्यक्रमों में जाते हैं और उससे फिर समाज में संघर्ष शुरू होता है। वैसे ही अगर हमको अभय के स्थान पे लगे कि हर मनुष्य मेरा विरोधी है तो हम फिर डोमिनेट करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं, उससे भय और तैयार होता है। और जहाँ प्रकृति के साथ हमें पूरकता दिखाई देती उसके स्थान पर हम प्रकृति को अपने दोहन शोषण की वस्तु मान लेते हैं, उस पर हम मास्टरी करने जाते हैं, उस पर एक्सप्लॉयटेशन करने जाते हैं, तभी ये स्थितियां दिखाई देती है व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में। उसके कारण क्या हो रहा है कि मानव के अंदर उन्माद तैयार हो गया, लाभ उन्माद, काम उन्माद, शोक उन्माद, कितना लाभ कमाना है निश्चित नहीं है, कितना भोग करना है निश्चित नहीं है ना, शरीर से मिलने वाले संवेदना से किसी प्रकार सुखी हो जाए, और ये उन्माद में चला गया, पागलपन की स्थिति में चला गया। वैसे ही ये जो अभय के स्थान पर हमने भय के लिए कार्यक्रम बना लिए, जहाँ हम हर व्यक्ति के साथ स्नेह पूर्वक संबंध पूर्वक जीने का अभ्यास करते हैं, उसके स्थान पर हमने विरोधी बना लिया है, और देश के बीच में इस तरह से विरोध का कार्यक्रम बन गया है, उसके उदाहरण हमें दिखते ही रहे, रोज न्यूज आते ही रहते हैं ना। तो कितना सारा हम प्रकृति का भी नुकसान कर रहे हैं, अपने श्रम से उत्पादित वस्तुओं का नुकसान कर रहे हैं, और उत्पादन भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, कितना सारा उसके लिए हम समय लगा रहे हैं और समय का निचोड़ कुछ नहीं है, उसका सार कुछ नहीं है। हम इतनी सारी मेहनत की, युद्ध की सामग्री बनाई तो दूसरे के ऊपर हमने ठेका डाल दिया, छत विछत हो गया दूसरा व्यक्ति भी, हम भी छत विछत हो गए, अल्टीमेटली हमारा पूरे जो श्रम का परिणाम क्या निकला, तो ना हम सुखी हुए ना दूसरा सुखी हुआ, ना हम समृद्ध हुए ना दूसरा समृद्ध हुआ। तो ये सब अगर ओवरऑल देखें तो ये सब चूके दिखाई दे रही, तो वैसे प्रकृति को हमने जिस तरह से दोहन किया है, शोषण किया है, प्रकृति में जिस तरह की कठिनाइयां बन गई है, संसाधनों का अभाव हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो अभी ये स्थिति दिखाई देती है। अगर मानव लक्ष्य की पहचान ही ठीक ना हो, है ना, तो अगर मानव लक्ष्य की पहचान ही ठीक ना हो
तो ऐसा ही जीना होगा, ये भी दिखाई देता है और जो चल रहा है समाज में। बट अच्छी बात यह है कि हम सबकी सहज की स्थिति तो सही के लिए है, तो जैसे ही ध्यान जाता है हम मानव लक्ष्य की पहचान भी कर पाते हैं, उसके लिए योजना कार्यक्रम भी बना पाते हैं। तो अगर इसको डिटेल आउट करें, अगर हम समाज के स्तर पर देखें तो ये चार लक्ष्य दिखाई देंगे। तो हम अपने जीने में इन लक्ष्य को कैसे पहचान सकते हैं? अगर किसी चीज के अभाव से दुख उत्पन्न हो रहा है तो हम ये देख सकते हैं कि यह हमारा रियल गोल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे अगर हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित ना हो, समाधान सुनिश्चित ना हो, तो हम सुखी नहीं हो पाते। इसका मतलब कि यह हमारा रियल गोल है, हम ज्ञान चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। तो हम अगर अपने चाहना को देखें तो एक तो बात यह कि हम जीना चाहते हैं, दूसरा हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, और उसको और बारीकी से देखें तो हम निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। तो जो जीने की आशा है वो तो सुविधाओं से पूरी हो जाती है। हमने शरीर के लिए व्यवस्था कर ली, कपड़े के, भोजन के, है ना, आवास की व्यवस्था कर ली, साधनों की व्यवस्था कर ली, जिससे हम जी लेते हैं, हमारा शरीर चल जाता है। परंतु यदि हमें सुखपूर्वक जीना हो तो हमें संबंध में वृत्तिपूर्वक जीने की आवश्यकता दिखाई देती है। तो अभी जितना हमने प्रयास किया उसमें अगर आप देखें तो जीने के लिए जो सुविधाओं की आवश्यकता है उसको हमने काफी उत्पादन कर लिया, इसके बारे में काफी शोध कर लिया है, काफी नई नई वस्तुओं का ईजाद कर लिया है। इनफैक्ट कई चीजों में तो दिखता है कि आवश्यकता से बहुत अधिक उत्पादन कर लिया है। बट चूंकि हम संबंध पूर्वक नहीं जी पा रहे, इसलिए इतना सारा उत्पादन करने के बावजूद हमारे जीने पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। तो हम सिर्फ जीना नहीं चाहते, हम संबंध पूर्वक सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। तो सुखपूर्वक जीने के लिए संबंध की आवश्यकता है, और यदि निरंतर सुखपूर्वक जीने जाए तो उसके लिए फिर स्वयं में सुख, शांति, संतोष, आनंद, उन भावों को सुनिश्चित करने के लिए जरूरत है, और उसके लिए अपनी क्रियाओं को विकसित करने की जरूरत है। तो कई प्रकार से इसको नाम दिया गया है, परंपरा में भी देखें तो जैसे सुख, शांति, संतोष, आनंद भी कहा गया है, मोक्ष भी कहा गया है ना, निर्वाण भी कहा गया है, मुक्ति भी कहा गया है, कैवल्य भी कहा गया है, परमानंद की स्थिति प्राप्त होना भी कहा गया है, कई प्रकार से इसको नाम दिए गए हैं, सर्वशुभ के लिए जीना भी कहा गया है। तो अल्टीमेटली देखें तो निरंतर सुखपूर्वक जीने के क्रम में जो पूरी बातों का परंपरा में जितना ज्ञान के लिए काम हुआ उसका अगर हम सार देखें इस रूप में निकल के आता है कि हमारे अंदर सत्य का ज्ञान हो जाए, जिससे हमारे अंदर प्रेम और करुणा का भाव बना रहे और हम अपनी सुविधा की आवश्यकताओं को श्रम पूर्वक ठीक से पूरा कर पाए ताकि हम समृद्ध महसूस करें। तो पूरी बातों का सार देखते हैं इतना ही, सत्य प्रेम और करुणा को लेकर भिन्न भिन्न संतों द्वारा परंपराओं में, शास्त्रों में कई प्रकार से विवरण दिया गया कि हमारा जीना आसान हो जाए। तो ये तीन बातें निकल कर आती हैं, तो हमारे अंदर सत्य का ज्ञान हो जाए, प्रेम और करुणा का भाव हो, और हम अपने अंदर सुविधा की आवश्यकता को पूर्ति कर पाए इसके आधार पर समृद्धि का भाव, ये तीन चीजें दिखाई देती हैं। तो अगर व्यक्ति के स्तर पर देखें तो स्वयं में क्या लक्ष्य दिखाई देगा? तो हमारे अंदर ज्ञान हो, सही समझ हो, इसके आधार पर सही भाव हो, सही विचार हो, शरीर में स्वास्थ्य हो कि नहीं, हम सुविधाओं की आवश्यकता की ठीक से पहचान कर पाए, उनके संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग की हमारे अंदर योग्यता हो, अगर हम समाज में जी रहे हैं तो हमारा व्यवहार ठीक हो, हम लोग साथ जुड़ के काम कर पाए, तो हमारा व्यवहार म्यूचुअली फुलफिलिंग हो, उभय सुख के अर्थ में हो, हमारा कार्य जो है उभय समृद्धि के अर्थ में हो, और हमारी जो मानसिकता है वो भागीदारी, बड़ी व्यवस्था भागीदारी के क्रम में। तो हमारे जीने का लक्ष्य इतना नहीं है कि हमने खूब पैसा कमा लिया, परिवार के लिए खूब सारी सुविधाएं जुटा के दे दी, बच्चे के भविष्य के लिए खूब सारी सुविधाएं कमाने योग्य बना दिया, ठीक है ना, इतने भर में अगर हम मान के जी रहे हैं तो फिर हमारी भागीदारी रुक जाती है। हमें दिखाई दे कि मेरी भागीदारी तो मानवीय परंपरा तक है, हमारी भागीदारी तो अखंड समाज में भागीदार होने, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार होने के क्रम में, तो कम से कम परिवार में तो हम व्यवस्था को ठीक से सुनिश्चित कर पाए, और परिवार में व्यवस्था को भी अगर आप सही विधि से पूरा करने जाएंगे, स्वधन से है ना, दयापूर्ण कार्यभार से अगर इसको पूरा करने जाएंगे, स्वनारी स्वपुरुष से, तो आपको पूरे समाज में फैलकर व्यवस्था के लिए काम करना बनता है। एक व्यक्ति के रूप में देखें तो ये लक्ष्य दिखाई दे सकता है,
है ना, ये हम अपने आप पे देखें कि क्या इस प्रकार से हमें अपना लक्ष्य दिखाई देता है। तो क्या हमने स्वयं के लिए इस चीज को देखा है कि मेरा लक्ष्य जो है इस पूरे शरीर यात्रा का वो तो ये है कि मेरे अंदर ज्ञान समाधान सुनिश्चित हो जाए, उसी क्रम में शरीर का स्वास्थ्य बना रहे, है ना, उसी क्रम में सुविधाओं की आवश्यकता की ठीक से पहचान हो पाए और उसको मैं श्रम पूर्वक पूरा कर पाऊं, उसके साथ जीते हुए अगर मैं अपने आप में ज्ञान समाधान को सुनिश्चित करने जाता हूं तो सहज रूप से मुझे संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जीना बनता है, और संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जीते हुए मेरे अंदर अपने से बड़ी व्यवस्था और फैलते हुए पूरे सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। तो इसको हम अपने आप में देखें, इसको हम अपने आप में लोकेट करें कि क्या मुझे भी अपने शरीर यात्रा के लिए ऐसा लक्ष्य दिखाई देता है कि नहीं। जी कुछ हैंड्स रेज हैं, प्रश्न ले लेते हैं। जी जी नमस्ते भैया। भैया हमारा प्रश्न पुरानी वाली स्लाइड से जुड़ करके था। उसमें ऐसा था कि जैसे जो विनिमय की व्यवस्थाओं के बारे में बात किया, लेन लेन देन देन और लेन देन, कई बार ऐसा देखा जाता है कि यदि कुछ लोग देन देन वाली व्यवस्था को फॉलो करते हैं और कुछ लोग लेन लेन वाली व्यवस्था को फॉलो करते हैं तो समाज में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, एक ये प्रश्न है, संबंधों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है। दूसरा ये प्रश्न था समृद्धि से संबंधित। समृद्धि में कई बार लगता है कि जैसे आज समृद्धि की परिभाषा बदल गई है, जैसे पहले एक कार परिवार में पर्याप्त थी, पर अब अगर देखें अगर चार लोग घर में हैं, चारों अलग अलग कार्य करने जाते हैं तो उनको लगता है मिनिमम एक कार सबके लिए आवश्यक है और इससे उनके कार्य में आसानी होती है और उनकी फ्रीडम बढ़ती है। तो इस पर थोड़ा सा कुछ कहें तो अच्छा रहेगा, धन्यवाद। जी तो जब आपने पहली बात कही तो देन देन का भाव बढ़ने से तो समाज में शोषण नहीं बढ़ेगा, लेन लेन से बढ़ेगा। इतना हो सकता है कि आप चाहना देन देन की है इसलिए आप देन से शुरुआत कर रहे हैं और दूसरा का ध्यान नहीं गया है तो लेन में ही पड़ा हुआ है, तो फिर आप एक समय का थकने लगते हैं। अगर आप लेन देन के भाव से दे रहे हैं तो दुखी परेशान तो होंगे, वो तो निश्चित है ना। वो तो इतना सारा श्रम करके भी हम कभी समृद्ध महसूस नहीं करते, कभी संबंध को नहीं देख पाते, तो चलता ही रहता है। हम ये होता है कि जब जांच परख के साथ हम देन देन के भाव से जीने की शुरुआत करते हैं और दूसरे में नहीं समझ बनी तो दूसरा तो लेने फंसा रहता है, तो फिर हमारे लिए देने की वस्तु के रूप में सिर्फ सुविधा नहीं दिखाई देती, संबंध का भाव भी दिखाई देता है और समझ भी दिखाई देती है। तो अगर हम इस विनिमय को भी तन मन धन इन तीनों स्तर का अगर जोड़ कर देखें तो हमें दूसरे के अंदर सही समझ सही भाव सुनिश्चित करना देन की पहली वस्तु दिखाई देती है कि नहीं। दूसरे की सुविधा की आवश्यकता को स्पष्ट करना ये बहुत आवश्यक दिखाई देता है। अगर उसको किए बगैर हम देन में जाएंगे तो अल्टीमेटली हम दूसरे की आवश्यकता जितनी उससे बहुत ज्यादा उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेंगे, उसके लिए हम दूसरे मनुष्यों के साथ भी देन देन का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, प्रकृति के साथ भी देन देन का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। तो प्रकृति को भी हमें देना है, प्रकृति से हमें इतना कुछ मिल रहा है तो उसे देना है, प्रकृति तो सहज रूप से दे ही रही है। तो अगर इसको बारीकी से देखें और इसको ज्ञान तक जोड़ के देखें तो देन देन में भी जो पहली वस्तु है तो ज्ञान है कि हम दूसरे में सही समझ सही भाव सुनिश्चित करें कि नहीं, उसके साथ फिर सुविधाओं की व्यवस्था करें। तो हम फंसते वहां है जहां हम सिर्फ सुविधाओं तक देखते हैं, अदरवाइज नहीं फंसे। ये दूसरी बात आपने कही ना, ये जो समृद्धि का भाव है इससे नहीं बन पा रहा क्योंकि लोगों को सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट नहीं है। अभी एक व्यक्ति को अभी गाड़ी की जरूरत है कि नहीं ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी हम थोड़ा सा उसको अगर ठीक से आर्टिकुलेट करें तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं और उसमें कोई बाधा आ रही है तो अगर हमें समाज की व्यवस्था स्पष्ट हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। और ऐसा कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं समाज में, आज के दिन भी चल रहे हैं और बहुत सारे समाजों में चल रहे हैं, बहुत सारे देशों में चल रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपनी एक अलग कार घर से लेकर निकलेगा, है ना। हम समाज की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करेंगे। ये भी पाया जा रहा है आज के दिन, अभी एक रिव्यू भी आया था कि बैंगलोर में अगर कोई व्यक्ति कार से अपने ऑफिस जा रहा है, उसका ऑफिस 15 या 20 किलोमीटर दूर है और उसके स्थान पर वो साइकिल से जा रहा है तो साइकिल से ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, तो अभी ये भी स्थिति बन गई है। वो जिस व्यक्ति ने वो डिसपुलिंग द सोसाइटी बुक लिखी है, इवान इलिच शायद उनका नाम है, तो उन्होंने अध्ययन करके पाया था कि अमेरिका में अगर आप
कार के बनने से मैन्युफैक्चरिंग से टोटल समय जोड़ना शुरू करें कार की डंपिंग तक, तो एवरेज स्पीड आदमी का 5 किलोमीटर प्रति घंटा आता है और साइकिल से ज्यादा 15 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड आता है अगर पूरे जोड़े श्रम को जो हमने समय लगाया उस कार के उत्पादन में। तो कार जहाँ आवश्यक वहां प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि हर समय कार से चलेंगे, है ना। तो इन सब चीजों पे तो ध्यान दिया जा सकता है, समाधान है। ऐसा आवश्यक नहीं कि घर में अगर लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं तो सबको अपनी गाड़ी की जरूरत है। एक तो हम इतना सारा सुविधा कमाने का प्रयास ही क्यों कर रहे हैं, ये पहला मुद्दा है। जो हमको दिखाई देता है कि जो सुख का स्रोत है तो ज्ञान समाधान है, शरीर से मिलने वाली संवेदना या दूसरे से मिलने वाला भाव नहीं, तो शरीर की आवश्यकता हमको और सीमित दिखाई देती है ना। जितनी जितनी मैं की आवश्यकता स्पष्ट होती है, शरीर की आवश्यकता और सीमित दिखाई देती है। इनफैक्ट आपको दिखाई देगा कि ये मैं की आवश्यकता को पूरा करने में ये जो हम सुविधा के इतना सारा समय लगा रहे हैं हो सकता है बाधक बनता जा रहा है। तो अगर इसकी सीमा को ठीक से ना पहचाने तो स्वयं में ये पूरा होगा ही नहीं, जो पहला लक्ष्य है वही पूरा नहीं हो पाता। जी ठीक है दीदी। जी भैया, जी जी थैंक यू भैया, थैंक यू। बढ़िया दीदी जी। भैया नमस्ते सभी को। भैया भैया बढ़िया बातें चल रही है। एक उसी रिलेटेड आगे का एक पॉइंट मेरे ध्यान में आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लव और कंपैशन जो बताया है, तो भैया जो नेचुरली हमको डेवलप होता है सेल्फ में किसी के बारे में, उसे हम लव बोलेंगे। और अगर वो वन वे होना चाहता है या चाहिए वाली अगर बात हो जाती है तो उसे कंपैशनेट कहेंगे क्या, या आप थोड़ा बताएंगे प्लीज। जी कंपैशन तो हमने विस्तार से चर्चा की थी, करुणा का भाव क्या है। तो अगर किसी वस्तु के पास, किसी व्यक्ति के पास वस्तु भी उपलब्ध नहीं है, पात्रता भी उपलब्ध नहीं है, तो उन दोनों को उपलब्ध कराना ये करुणा का भाव है। तो करुणा का भाव के साथ जीते हुए हम हर व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं कि समाज में जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो समझना चाहते हैं और उनके अंदर जिज्ञासा बन गई है, कुछ लोग हैं जिनके अंदर अभी जिज्ञासा नहीं बनी है, तो उनके अंदर जिज्ञासा विकसित कर पाना, सही प्रस्ताव पहुंचा पाना, उनके साथ संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जीते हुए उनके विकास में सहायक हो पाना, ये करुणा का भाव। तो संबंध को देख पाना ये प्रेम का भाव। संबंध में जिम्मेदार हो जाना अगले व्यक्ति में ज्ञान समाधान सुनिश्चित करने के क्रम में, ये करुणा का भाव, इसको करुणा कह रहे हैं। जी जी, मतलब ये दोनों टोटली डिफरेंट है ऐसा मानना है, मैं थोड़ा रिलेट कर रहा था, अलग ही है ना दोनों। कि करुणा दया में भी, मतलब कंपैशन में भी लव का भाव होता है। हाँ है ना, देखिए मूल्यों में आप देखेंगे तो ऐसा कोई है ना डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं दिखाई देगा, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भागीदारी तो एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी ना। जी जी, बट वो पहचानने जाते हैं, निर्वाह करने जाते हैं, तो फिर उसके घर पे जीने का क्या कार्यक्रम बनेगा ये दिखाई देता है। जी, और ये जो लव वर्ड है या प्रेम वर्ड है, ये मतलब सभी को लागू है। हम जो जो कोई प्रेम करते हैं, जो कोई बच्चों का प्रेम है या माँ बाप का प्रेम है, ये कि कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। काम चलेगा ये प्रेम के भाव पर कितनी बार बात हुई, प्रेम के फलन के रूप में अनन्यता दिखाई देती है। प्रेम का मतलब है हर एक मानव के साथ संबंध को देख पाना, ये बच्चे के प्रति प्रेम और है ना परिवार के प्रति प्रेम, ऐसा नहीं, सभी के प्रति, पूर्ण विश्व के प्रति प्रेम, हर एक के दिल में वो अनन्यता दिखनी चाहिए। बराबर है भैया? बिल्कुल, तभी वो अनन्यता में जाएगा। तो हर मानव के प्रति संबंध का भाव, और आगे बढ़ के देखिए तो प्रकृति की हर इकाई के साथ संबंध का भाव। जी 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 जी, बढ़िया भैया, ओके, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जो जो नहीं समझ रहा है थोड़ा पूछने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूछ लीजिए, बट थोड़ा सा ना इसको अगर हम नोट भी करते चले जो असाइनमेंट्स हैं, तो जी नहीं, मेरा जो लिखते भी है, ये लव जो वर्ड है या प्रेम जो वर्ड है, ये अफेयर वगैरह के इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था, वो तो मुझे समझ में आया। बाकी इसमें नेचुरल या चाहिए ऐसी वाली वर्ड है क्या, वो वर्ड में मैं कंपैशन को लाना चाह रहा था। देखिए ये तो अभी जो चल रहा है वो तो शरीर आधारित संवेदना आधारित कार्यक्रम है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रेम है। हाँ ये तो प्रेम है। हाँ अच्छा, जो सेंसेशन से हो रहा है वही प्रेम, अपन जो आजकल जो चल रहा है अपन बोलते है प्यार हो गया, लव हो गया, वो उसी को पकड़ेंगे अपन। जी जी भैया, क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? जो अभी सेंसेशन है उसको प्रेम नहीं कहा जा रहा है। प्रेम का मतलब अच्छा।
हर मैं के साथ संबंध को देख पाना, उसको पहले आप एक बार कहीं ठहर के सुन लीजिए, पूरा पूरा उसको समझ लीजिए, है ना। ये जो अभी प्यार और ये सब शब्द बोलते हैं, है ना, ये तो मानव को शरीर मान के जीने का कार्यक्रम है। उसको एक बार थोड़ा ठीक से आप उसके ऊपर है ना गहनता से ध्यान दीजिए। प्रेम का मतलब है हर मैं के साथ संबंध को देख पाना जी, ये संबंध की पूर्णता है। जी 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 बढ़िया भैया बढ़िया। अभी भी देखिए मतलब हम एंड पे आ रहे हैं, फिर भी हमारे में कंफ्यूजन है ही, वो तो चलता रहेगा, लेकिन धन्यवाद जी भैया, नमस्ते। परिवार के स्तर पे देखें तो क्या लक्ष्य दिखाई देगा, तो परिवार में संबंध को देख पाना, इतनी हमारी योग्यता हो कि हम संबंध को देख पाए, संबंध में हम न्याय को सुनिश्चित कर पाए। तो माता पिता संतान संबंध, भाई बहन संबंध, पति पत्नी संबंध, इन सारे संबंधों को हम देख पाए। माता पिता संतान के साथ माता पिता संतान तुल्य संबंध, जैसे फुआ फूफा मौसा मौसी, ये तुल्य हो जाते हैं। इन सबके साथ संबंध को देख पाना, भाई बहन संबंध को देख पाना, तो इस तरह के संबंध जो परिवार में हमें दिखाई देते हैं सहज रूप से, उनकी ठीक से पहचान हो पाना और उसका निर्वाह इस प्रकार से हो पाना कि उस संबंध में साथ साथ जीते गए ज्ञान सुनिश्चित हो, समाधान सुनिश्चित। सुख का मतलब यही है कि उनके अंदर निरंतर सुखपूर्वक जीने की योग्यता विकसित हो, और उसके साथ फिर जो हम संबंध का निर्वाह करते हैं तो एक दूसरे के लिए सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं और साथ में सेवा भी करते हैं। तो ये सेवा भी परिवार में जीते एक आवश्यक भाग है ना। तो अगर परिवार में तीन प्रिया साथ साथ रह रही हैं तो जो छोटे बच्चे हैं वो बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, उनके शरीर को शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी किसी रूप में देखें तो बच्चों की आवश्यकता पूरा करते हुए उनका सेवा ही कर रहे हैं। जो वयस्क हैं वो भी किसी रूप में सेवा कर रहे हैं एक दूसरे की, तो ये भी एक आवश्यक भाग है संबंध में निर्वाह करते हुए। दूसरी बात है कि सुविधा की जो आवश्यकता है परिवार में उसकी ठीक ठीक पहचान हो, तो इसको हम साथ साथ बैठकर परिवार सभा बनाकर साथ बैठकर तय करें क्या आवश्यकता है क्या आवश्यकता नहीं है, तो उसका उत्पादन हम कैसे करें, संरक्षण कैसे करें, सदुपयोग कैसे करें ताकि परिवार में समृद्धि का भाव। तो अभी परिवार में देखें तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक से न होने कारण, या श्रम की प्रवृत्ति न होने कारण, या श्रम को सम्मान से जोड़ लेने कारण, ये श्रम का कार्य जो है ये सम्माननीय है, दूसरा कार्य सम्माननीय नहीं है, बहुत सारा अन्याय होता रहता है परिवार में, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो एक लक्ष्य ये भी बनता है कि हम सुविधा की आवश्यकता की पहचान कर पाए, उसको साथ साथ मिलकर हम पूरा कर पाए, एक दूसरे के साथ सम्मान के भाव को बनाए रखते हैं। तो जो किचन में काम कर रहा है व्यक्ति उसका भी सम्मान है, जो झाड़ू पोछा लगा रहा है उसका भी सम्मान है, ठीक, जो बाहर जाकर सुविधा कमा रहा है उसका भी सम्मान है। तो सम्मान तो हर व्यक्ति के लिए सहज रूप से उपलब्ध है। वैसे ही एक और जिम्मेदारी बनती है कि अगली पीढ़ी को तैयार करना ताकि मानव परंपरा बनी रहे, और उसका ठीक से ध्यान रख पाना, उसके प्रति जिम्मेदार हो पाना, तो तन के प्रति भी जिम्मेदार हो पाना, मन के प्रति भी जिम्मेदार हो पाना, तो शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उसके अंदर सही शिक्षा सही संस्कार सुनिश्चित करना। वैसे ही परिवार को भी हम ठीक से समझते हैं तो परिवार विश्व परिवार की इकाई के रूप में, तो हमारा परिवार कैसे विश्व परिवार व्यवस्था में भागीदार हो, तो जो जिम्मेदारियां हमारी विश्व परिवार के रूप में है उसको हम कैसे ठीक से पूरा कर पाए। तो जो हमारा परिवार में निर्वाह है वो अल्टीमेटली विश्व परिवार का हिस्सा है, तो समाज में मानव लक्ष्य की पूर्ति के अर्थ में परिवार कैसे भागीदार हो, तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि हम परिवार में सुविधाओं को कमा के ले आए, आपस में उसका उपभोग कर लिया, उपयोग कर लिया और उससे हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, नहीं, परिवार तो उस विश्व परिवार का एक इकाई है। तो हमें भी देखना है कि 10 सोपानीय व्यवस्था में हम कैसे अपने आप में भागीदार हो पाए, परिवार को भागीदार बना पाए। और उसके साथ एक और जिम्मेदारी दिखाई देती है कि जो परिवार में परंपराएं चल रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको हम कैसे सदुपयोग कर पाए। परंपराएं कई प्रकार से हैं, जैसे कुछ परिवार हैं जहाँ वैदिक जी का काम विधिवत होता रहा है, औषधियों पे काम करने का अभ्यास रहा है, स्वास्थ्य का काम होता रहा है। कुछ परिवार हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्किल को लेकर काम होता रहा है, तो जैसे कपड़ा बनाने का स्किल है ना, बर्तन बनाने का स्किल है, कलाओं को लेकर काम होता रहा है, गीत संगीत को लेकर काम होता रहा है, तो उसको प्रिजर्व रखना, उसको भी बना के रखना।
परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी वो भी एक आवश्यक भाग है, क्योंकि उसके साथ भी समाज की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जुड़ी हुई है। प्रकृति के संरक्षण का कुछ अभ्यास है, पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे, उसको भी हम कैसे बनाए रखें। तो ये भी कई बार देखने में आता है कि अगर हम एजुकेशन को ठीक से एस्टैब्लिश ना करें, और एजुकेशन का मतलब सिर्फ सूचना का लेना देना हो जाए, तो ये परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होने लगती हैं। तो वैदिक का ज्ञान कई बार दिखता है कि परिवारों में लुप्त हो गया, या पशुपालन कर रहे थे जिस विधि से वो विधि लुप्त हो गई, खेती करने का जो हमारे अंदर एक अभ्यास था वो अभ्यास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उन परंपराओं को जीवित रखना भी एक आवश्यक काम है। तो परिवार के स्तर पर देखें ये कुछ लक्ष्य दिखाई देते हैं। जी समय हो चला है, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतनी बात की हमने विवेक के रूप में मानव लक्ष्य की पहचान कैसे हो, इसको पूर्ति करने के लिए 5 आयाम क्या हैं और कैसे वो भिन्न भिन्न स्टेप्स में पूरा होता है, इसको स्टडी किया हम लोगों ने। और उसके साथ फिर हमने परिवार के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर क्या लक्ष्य हो सकता है, इसको स्टडी किया। अब आगे हम इसको और कल और स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। जी दीदी आप कुछ अनाउंसमेंट्स को करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समाप्त करेंगे। धन्यवाद भैया। तो कुछ 24 तारीख से कुछ शेयरिंग का समय होगा, तो सभी से अनुरोध है आप अपना मन बनाए और जो भी विषय वस्तु भी हम लोग जांच परख के अपने जीवन में देख रहे हैं उसको हम उन बातों को हम रख पाएंगे। तो आप अपना नाम दे सकते हैं किस दिन आप चाहेंगे अपनी बात को रखना, 24 तारीख के बाद कोई भी डेट आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इन सभी की पॉइंट्स को जो आप में ध्यान में आया और बात को हम सभी से शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का सत्र को एंड करते हैं। तो भैया अब क्लोज कर सकते हैं सेशन को। जी दीदी जी, तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। आज इन मुद्दों पे ध्यान देंगे, अध्ययन करेंगे, फिर कल प्रश्नों के साथ में फिर चर्चा शुरू करेंगे। जी सभी को नमस्ते।